एक मेटल है, अब देखो ओरिजिनल लेंथ का 10 टाइम्स बढ़ा दिए तो न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब अगर देखो हम अभी इसको अगर एक मेटालिक वायर है जिसकी लेंथ एल था, अब हमने 10 टाइम्स बढ़ा दिए तो इसकी लेंथ हो गई प्यारे बच्चों एल डैश। क्लियर है? तो अगर लेंथ एल था अब आ गया एल डैश, तो अगर ये एल डैश हो गया तो हम सबको पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस का जो फार्मूला, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो इस रेजिस्टेंस में जो रो है वो डिपेंड नहीं करता है ज्योमेट्री पर, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल नेचर की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल सेम रहेगा, मतलब ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी नहीं सही नहीं हो सकता, या तो ये सही है या तो ये सही है, 50-50 हमारा सोल्यूशन आ गया। तो अब अगर देखोगे प्यारे बच्चों इसमें, तो पहला तो फर्स्ट मेथड ये है, फर्स्ट मेथड ये है, वी नो दैट ऑलरेडी रिजल्ट आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ये एक फर्स्ट है। तो ये अगर इसकी लेंथ एल डैश की जो वैल्यू आ जाएगी, एल डैश की वैल्यू जो है एल प्लस 10 टाइम्स ऑफ एल, तो एल प्लस टेन टाइम्स एल मतलब 10/100 और एल फाइनली 0 मतलब ये आ जाएगा एल प्लस पॉइंट एल मतलब ये आ जाएगा 1.1 एल। तो 1.1 एल, ये इतनी हमें न्यू लेंथ एल डैश मिल जाएगी, 1.1 एल, दिस इज द न्यू लेंथ। तो अगर ये न्यू लेंथ एल डैश इज इक्वल टू 1.1 एल एक्चुअल का, तो अगर देखोगे एक्चुअल का 1.1 एल है, तो यहाँ से वी रिमेंबर दिस रिजल्ट। ठीक है, जब कभी भी कोई भी वायर एन टाइम्स उसकी लेंथ चेंज हो जाती है तो इसको हम डायरेक्ट लगा देते हैं, तो एन टाइम चेंज हो गई है तो 1.1 का स्क्वायर रेजिस्टेंस आर, तो 1.1 इतना टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा, दैट इज डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर आप ये रिजल्ट आपको नहीं याद है, ये रिजल्ट नहीं याद है, तो ये आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअल इनिशियल रेजिस्टेंस देखो, इनिशियल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, फाइनल लिखो, जब लेंथ चेंज हो गया है तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश ए डैश ये। ठीक है, तो एल डैश की तो वैल्यू हम पहले ही यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, 1.1 एल आ जाएगा, और ए डैश एरिया क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम रिमेंस, इस वायर का मास और वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं किया 1 kg का था तो 2 kg का हो जाएगा, तो वॉल्यूम रिमेन सेम, तो पहले का वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2, वॉल्यूम रिमेन सेम, दैट इज ए डैश इज इक्वल टू एल डैश, तो ए डैश की जो वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन एल डैश, तो एल अपॉन एल डैश की वैल्यू 1.1 एल हो गया, तो एल ने एल को खत्म कर दिया, तो ये आ जाएगा ए अपॉन 1.1 टाइम्स ए आ जाएगा, मतलब इतना टाइम्स एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, दैट इज वायर जो है थीन हो जाएगा। ऑब्वियसली यार स्ट्रेच करोगे तो वायर की जो लेंथ है वो थीन हो जाएगी, तो ए डैश पता चल गया, एल डैश पता चल गया, इन दोनों को उठा के इसमें रख दो, पुट दीज टू वैल्यू, तो नया जो आर डैश आ जाएगा, न्यू आर डैश हमें जो मिल जाएगा वो आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश 1.1 एल एंड ए डैश इज इक्वल टू ए और 1.1। ठीक है, फाइनली 1.1 स्क्वायर, दैट इज रो एल अपॉन ए, दिस इज द एक्चुअल रेजिस्टेंस 1.1 स्क्वायर, एक्चुअल रेजिस्टेंस आर 1.21 आर, दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस आर, ये वाली चीज। ठीक है, चलो।